कोई। तो फाइनली हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट, हमने बना दी है ड्राइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत होगी और दिन की शुरुआत में मैं आई हूँ टेरिस पे, और दो दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि कोल्ड की वजह से थोड़ा सा गला ठीक नहीं था, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं किया। और अभी मैं हूँ टेरिस पे अपने, और टेरिस पे ना कल हुई थी इतनी अच्छी सी बारिश, बहुत ही मोटी मोटी बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कल जिसकी वजह से पूरी गंदगी पड़ी है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो बस उसी को साफ़ करने के लिए आई हूँ मैं, सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। और उससे पहले आती हूँ आसपास का व्यू, बहुत ही अच्छा सा व्यू है आजकल। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है वैसे, पर फिर भी मतलब व्यू काफ़ी अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए आज भी आसमान में बादल हैं काफ़ी, देखिए ये रहा व्यू। और आज तो सुपली नदी में पानी देखिए कितना कम हो गया है, पत्थर दिखने शुरू हो गए हैं, तो काफ़ी कम हो गया है आज का पानी। और ये देखिए स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ये रहा व्यू। और ये रही हमारी रूबी, आज होने वाली है रूबी की भी धुलाई क्योंकि मौसम काफ़ी साफ सा हो गया है, बहुत दिनों से बारिश बारिश हो रही थी इसलिए इसको नहलाया नहीं है काफ़ी दिनों से। और रूबी है अभी बंदरों की तलाश में, दो तीन बंदर आए थे अभी यहाँ पे, उनको देख रही है ये। तो फ्रेंड्स आज है 5th of September, और जैसा कि आप सभी को पता है कि 5th of September को होता है टीचर्स डे, तो आज है टीचर्स डे। तो सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स को हमारी ओर से हैप्पी टीचर्स डे। और मदर भी एक टीचर होती है, तो सभी मदर्स को भी, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, तो मदर्स, सभी मदर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे। और जो भी मतलब कई तरह के टीचर्स होते हैं दुनिया की, जो स्कूल में ही टीचर्स पढ़ाते हैं वही टीचर होते हैं, बहुत सारे जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए एक तरह से टीचर ही है, तो उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और आज के दिन ना स्कूल में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए अनुराग आज स्कूल गया ही नहीं, उसने कल ही बोल दिया था कि मम्मी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी नहीं आ रहे हैं, मैं भी नहीं जाऊँगा, तो वो आज स्कूल नहीं जा रहा है। और अभी सोया हुआ ही है, तो मैंने सोचा कि उसको उठाऊँगी और उसके बाद कुछ स्पेशल करेंगे आज टीचर्स डे पर, देखते हैं क्या स्पेशल करते हैं। और उससे पहले कर लेते हैं टेरिस की साफ़ सफ़ाई, नहीं तो बातों में ही रह जाऊँगी मैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कितना ज़्यादा गंदगी पड़ी है आजकल बारिश की वजह से। ये देखो यहाँ पे ये पूरा मिट्टी मिट्टी है, ये लेकर ये सारा, तो इसको साफ़ करती हूँ फटाफट से मैं। यहाँ पे देखो कितना पानी जम गया है, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई उसकी वजह से पूरा पानी पानी हो गया है, तो फटाफट से इसको साफ़ कर लेते हैं। पहले अनुराग अनुराग उठो, चलो मेरी हेल्प तो कर दो, स्कूल तो गए नहीं आज आप, चलो चलो उठो उठो, गुड मॉर्निंग, उठो जल्दी जल्दी उठो, मैं सफाई कर रही हूँ पर सीढ़ियाँ बहुत गंदी हुई हैं, चलो मेरी हेल्प करो, आ जाओ। अनुराग को ऐसी कर रहा था बाल्टी लाने की, उठा तो लिए अनुराग ने, पर अनुराग ला नहीं पा रहा ऊपर तक, पानी गिर जाएगा। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश, गुड गुड, दो अब मैं लाती हूँ। तो हम ऊपर से सफाई करते करते पहुँच गए हैं यहाँ, और अब नीचे को भी गिल्ला हो गया, नीचे को साफ करना पड़ेगा, मैंने कल ही पोछा लगाया ना, बारिश में सारा गंदा कर दिया। अनुराग आप तो हेल्प भी नहीं करते, क्या हुआ, मैं रूबी को नहीं संभाल रहा था। हाँ हाँ, बिल्ली कहाँ से आई, कैटी कहाँ से, मेरी चप्पल में भी पानी लो, धन्यवाद। हटो ध्यान, फ्रेंड्स ये रान राग देखो स्कूल गए नहीं आज, आज टीचर्स डे है, आप स्कूल नहीं गए, क्यों नहीं गए, मन नहीं था या पहले प्लानिंग की थी बच्चों ने कि हम नहीं आएंगे स्कूल, फ्रेंड्स ने हैं जोर से बोला कर ना, समझ लो क्या हुआ है, क्या हुआ, हम क्या समझे, हमको क्या पता, पहले प्लान कर दी सभी ने,
अभी जाओ फटाफट से सर्फ ले आओ, मेरे सर्फ खत्म हो गए, फिर से कपड़े धोने हैं, फिर नहाना है, पूजा करनी, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? आप भी नहा लो, ठीक है? तो फ्रेंड्स अभी मैं गई थी नहाने गई हुई, और यहाँ पे देखो इसको क्या छुपा रहा है, इसके पीछे दिखा दिखा जल्दी क्या छुपा, ये देखो क्या खा रहा है सुबह सुबह। मैं नहाने गई, नहाने के बाद मैंने कपड़े भी धो साथ ही और पूजा भी की, और आज इसको ज़्यादा ही जल्दी भूख लग रही है, जान बूझ के सुबह सुबह ही कुरकुरे खा रहा है। अब जो घर में पड़े हैं ना उतनी चीज़ें खाए गए, उसके बाद से मैं देखती हूँ जरा, क्योंकि जब खाना खाने का टाइम आता है बिल्कुल खाना नहीं खाता, फिर खाता हूँ। पीछे क्या छुपाया दिखा दिखा जल्दी, ठीक है? अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अब मैंने कपड़े भी धोए और उनको मैंने सूखने भी नहीं डाला है, बस मैं आ गई फटाफट से, मैं जो इसको ब्रेकफास्ट देती हूँ। आके देखो तो ये कुरकुरे खा रहा है यहाँ पे बैठ के, नहीं खा रहा तो क्या खा रहा है दूसरा, जो भी है चकाचक कुरकुरे सब एक ही चीज है, वो नाम अलग है बस। अब मैं फटाफट से चपातियाँ बना लेती हूँ यहाँ पे, अब जो मैं किचन में मैंने दाल लगा दिया, यहाँ दाल है, और फटाफट से चपातियाँ बना के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और अनुराग को क्या काम लगे इसको, मैं इसको बोल रही हूँ कि कुछ चैलेंज करते हैं, और इसको देखो जरा क्या काम चल रहा है, हड़िया पुठे काम मत कर अनुराग, अब पढ़नी इसको मार मत, छोड़ इसको छोड़ इसको छोड़ दिया, तो जो काम करना है ना वो करते हैं, चल क्या करना है हमने। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है टीचर्स डे, और टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोग भी सोच रहे हैं कि कुछ नया करते हैं, नया तो क्या मतलब कुछ करते हैं, क्योंकि लाइट भी चली गई है और टाइम अभी बजे हैं, कितने बजे हैं, 12:05, और हम सोच रहे हैं कि कुछ टाइम पास कर लेते हैं, हमने सोचा कि कुछ करते हैं, क्या करते हैं अनुराग, ड्राइंग। तो हम सोच रहे हैं आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोग भी एक छोटी सी ड्राइंग कॉम्पिटिशन करते हैं, अनुराग और मेरे बीच, अनुराग भी बनाएगा ड्राइंग और मैं भी बनाऊंगी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, जो कि जिनका आज बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है, आज का डे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, आज है उनका बर्थडे, आज उनका बर्थ डे होता है और उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि उन्हें उनकी ही ड्राइंग बना लेते, छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे हम, सिंपल सी बिल्कुल, मतलब कलर 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 वाली नहीं बनाएंगे हम, ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे या कागज पे बनाते, देखते हैं अभी जल्दी होगा, तो फटाफट से मिलते हैं आपको अपने ड्राइंग कंपटीशन के साथ। तो ये वाली ड्राइंग है जो हम आज ड्रा करने वाले हैं, देखते हैं हम दोनों में से कौन अच्छी ड्रा कर पाएगा, वैसे अनुराग ही अच्छी ड्रा कर पाएगा, मेरे से तो होती नहीं, अब पहले मेरी अच्छी ड्राइंग थी वैसे, पर अब नहीं होती मेरे से अच्छी ड्राइंग, मेरी भी नहीं है उतनी अच्छी ड्राइंग, तो थोड़ी बहुत आती है। तो चलो करते हैं ड्रा जरा, कौन अच्छी करेगा ड्रा। तो अभी हमने कर लिया सारी सेटिंग्स जो हमने करनी थी, जो हमने करनी थी, ये रही हमारी ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग हमने बनानी है, और ये अनुराग का कागज और ये मेरा कागज, और हम दोनों रेडी हो जाते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना, लेकिन मुझे तो आएगा नहीं बनाना, मेरा नहीं बनेगा अच्छा, चलो देखते हैं कौन अच्छा बनाता है। तो फाइनली हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट, हमने बना दिए ड्राइंग, आपको दिखाएंगे तो आप भी हंसेंगे, घटिया सी ड्राइंग बनाई है हमने, दिखाओ जरा, मैंने मम्मी ने तो फिर भी ठीक बनाया, दिखाओ ये मैंने बनाया है, ये बनाया अनुराग ने, ये आप, ये अनुराग ने बनाया ये वाला, और मैंने बनाया ये, और ये मैंने बनाया है, आप देखो दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा झूठे कितना झूठ बोलते हैं, ये मैंने बनाया है और ये मम्मी ने बनाया है, ये मेरी ड्राइंग, ये रहे मेरे, और ये रहा अनुराग का, ये देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, ये देखो ये कितना प्यारा बनाया अनुराग ने, और तो देखो मैंने मेरा देखो कैसा लग रहा है अनुराग बोल रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बंदर है देखो कितना सुंदर है अनुराग की ड्राइंग, और ये देखो मेरी ड्राइंग कितनी बुरी है, और अनुराग पहले पता क्या बोल रहा था, आपकी ड्राइंग तो अच्छी है आप ही बनाओगे, अच्छा बड़े चलाक हो आप ऐसे, और ये
मैंने फटाफट बना दी ये ड्राइंग और मैं बैठ गई, और अनुराग ने ना बाद में इतनी सुंदर बना दी, पहले जानबूझ के ऐसे कर रहा था हर को ऐसे, और बाद में देखो क्या सुंदर ड्राइंग बनाई है। ये रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, हैप्पी टीचर्स डे। ये लगी नहीं रहे, इनके चेहरा देखो जरा, ऐसा लग रहा है कि लंगूर है। ये देखो नहीं, वो देखो ना फोटो देखो, उसमें कैसी है और आपके कैसे, देखो कितना अजीब है। दिखाओ दिखाओ, देखो मैच फोटो में ऐसे है और मम्मी के ऐसे है, और मेरे देखो मेरे बिल्कुल मैच हो रहे हैं। अनुराग की, अनुराग की ड्राइंग तो भाई बेस्ट है, बेस्ट। और मम्मी का देखो, मेरी तो ऐसी है ना। वेरी गुड ड्राइंग भाई अनुराग, लिख दो इस पे नीचे हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे पे कुछ तो किया आपने, स्कूल तो गए नहीं आप, कम से कम कुछ तो किया। क्या ही करना था अभी, तो ये तो बस में आ रहा होता, इसमें कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, सरासर सी बात है, सरासर सी बात है मम्मी। अनुराग इज द विनर ऑफ द हर चैलेंज में ही जी भाई, आप टैलेंटेड बॉय है। देखो अनुराग जीत गया, हमेशा अनुराग ही जीतता, मैं तो हार ही जाती हूँ। ऐसा मैं सोचना कि मैं जानबूझ के हारती हूँ कि अनुराग जीत जाए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं, मेरे को ऐसी ही ड्राइंग आती है बनानी और अनुराग को आती है ऐसी। वाह मान गए जी, मान गए। अब तो लाइट भी आ गई, अब थोड़ी देर हम टीवी वगैरह देखेंगे और सेब वगैरह खाएंगे। ये देखो इसको अब फिर से इसने उठा लिया, बच्चे जितनी ज़्यादा दिन चलाएगा ना अपनी ये चीज़ियाँ उतने दिन चलेगा। हाँ क्या, अब लैपटॉप छोड़ा गया है इसने, अब टीवी पढ़ने चलो, अब हो गया पढ़ाई करनी, चलते चलते नहीं चलो उठो। मेरे फ्रेंड्स अभी हो गई शाम, और मैं अनुराग को पूछ रही थी कि शाम के लिए डिनर में क्या बनाएंगे हम, और अनुराग पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, ये बना दो वो बना दो वो बना दो, और वो सारी चीज़ें मेरे पास है ही नहीं। इसको बोल रही थी लेडी फिंगर लेके आ जाए मार्केट से, तो मैं बना देती हूँ, है ही नहीं तो मैं लेके तो आई नहीं, तो मैंने सोचा घर पे आलू पड़े हैं तो आलू ही बना लेती हूँ। और अनुराग को, अनुराग ने क्या क्या खाना था, तो ये सारी चीजें तो है नहीं। फिर तो अनुराग बोल रहा है कि उसके बाद क्या बोला था आपने, मैंने बोला था कि एक और चीज बोलू वो भी नहीं बनाएंगे, क्या छोले बोलूंगा, छोले नहीं बनाएंगे, तो छोले अभी नहीं बनेंगे क्योंकि वो भी होने पड़ेंगे स्कूल को देना छोले पूरी। ठीक है कल पक्का स्कूल के लिए अनुराग के लिए बनेंगे छोले पूरी। अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, और ये मैंने आलू बॉईल करने को लगा दिए, कढ़ाई लगी है और तड़का बनाऊंगी फटाफट से मैं, और फिर उसके बाद बस उसके बाद खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे और एक और नए दिन की शुरुआत करेंगे। अभी हो चुकी है रात, और रात के लगभग 10:15 बज चुके हैं, और अभी हम दोनों जा रहे हैं सोने के लिए, हस्बैंड तो चले गए हैं सोने के लिए दूसरे रूम में, और हम दोनों देख रहे थे टीवी यहाँ पे, तो बस कुछ नई सीरीज चल रही है लखन लीला भार्गव करके, ऐसी कुछ सीरीज चल रही है उसको देखते हैं हम आजकल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, मतलब बढ़िया है, देखते हैं हम आजकल उसको, तो मतलब 2-3 दिन के बाद उसके एपिसोड आते रहते हैं, 8-9 एपिसोड आ गए हैं तो उसको देख रहे थे हम अभी, और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो आज मैंने जैसे कि दिन को बोला था कि मैं रूबी को भी नहलाऊंगी, और उसको मैंने नहलाया ही नहीं आज, क्योंकि साफ़ सफाई करके ना मैं बहुत ज़्यादा थक से गई थी, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सारी सीढ़ियों की साफ़ सफाई की, बरामदे की साफ़ सफाई करने, तो मेरे साथ मेरे नेबर भी आ गए थे, फिर भी मैं थक सी गई थी। और उसके बाद दिन भर बस हम अनुराग और मैं वैसे ही रहे, मस्ती मौज करते रहे, तो रूबी को नहलाया नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि उसको कल नहलाऊंगी, या देखते हैं जैसा भी होगा। और कल है कुछ खास, जन्माष्टमी है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कल है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी कल और परसों 2 दिन मनाई जा रही है। इस बार देखते हैं मैं कल रखती हूँ फास्ट या परसों रखती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है मुझे, देखते हैं सुबह ही पता चलेगा कि मैं फास्ट रखती भी हूँ या नहीं, क्योंकि वैसे मैं फास्ट रखती नहीं हूँ, पहली बार रखूँगी। मैं सोच रही हूँ इस बार की फास्ट रखूँ, तो जैसा भी होगा सुबह पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।